हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और ये जो मेरी आज की वीडियो है, ये मेरी सीढ़ियों पे है। ये सीढ़ी इसके बाद यहाँ से बड़ी सीढ़ी पे, ये चौकी है, ये आधे पे तो इधर है और आधे पे इधर है। और मैं शुरू करती हूँ। ये जो है कुछ मैंने फ्लावर प्लांट्स लगा रखे और कुछ मैंने जो जहाँ पे धूप नहीं आती है वो इंडोर प्लांट लगा रखे हैं मैंने। तो एक साइड फ्लावर प्लांट है जहाँ पे धूप है और एक पार्ट और एक साइड में मेरा ये जो होते हैं इंडोर प्लांट ये है। और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, ये मेरा ड्रेसिना है, ये बहुत ग्रीन अच्छे वाला है। और ये मैंने इतने बड़े इसमें लगा रखा है, देखो कितना सुंदर गमला है। और इसको ये मैंने डेकोरेट किया है, ये उसी से काफ़ी गमले मैंने इसी से डेकोरेट किए हैं। ये देखो, ये सस्ता भी पड़ता है और सुंदर भी बहुत लगता है। इस रेड में देखो, व्हाइट कलर के जो ये टेप आती है चमकी वाली, कितना सुंदर लग रहा है। और इतना बड़ा प्लांट है ये मेरा, और प्लांटर भी मैंने इसको बड़ा दिया है। और इधर क्या है, इधर बिल्कुल भी धूप नहीं आती इसलिए मैंने इसको रखा है। और ये मेरा इधर ये साइप्रस है, साइप्रस भी बिना धूप के चल जाता है और इसे बस छनती हुई धूप चाहिए। और समय समय पर इसको थोड़ा सा पानी, जब ये सूख जाए तो तभी इसको पानी देना चाहिए। और ये मेरा इधर ये भी ड्रेसिना है। ड्रेसिना की मेरे पास कई सारी वैरायटी हैं, 6-7 हैं मेरे पास। ये रिबिन वाला है, ये भी देखो कितना सुंदर चल रहा है, यहाँ भी धूप नहीं आती। ये देखो तो इसमें भी कितना सुंदर चल रहा है। और ये सारे मैंने एक साइड में लगा रखे क्योंकि ये मेरी काफ़ी बड़ी चौकी है और मैंने इसको एक साइड में दे रखा है। अगर आपकी छोटी है चौकी तो आप छोटे छोटे लगाइए। अब मेरा थोड़ा सा बड़ी है तो मैंने थोड़ा छोटे बड़े सब अलग अलग हिसाब से लगाए हुए हैं। और ये कॉर्नर है मेरा, इसमें मेरा मनी प्लांट है। और ये मेरा थोड़ा पाइप का है, तो ये टूटा हुआ सा है, पाइप है इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने इसको कवर करने के लिए ये कुछ मनी प्लांट फैला रखा है यहाँ पे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और एक प्लांट मेरा ये बड़ा सुंदर है, ये देखो, ये मैंने इसको गमला भी बड़ा 8-10 इंच का गमला है, इसको भी देखो मैंने इसी से टेप से ही, चमकी टेप से ही इसको डेकोरेट किया है। और कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो ये बड़ी बड़ी लीव्स है इसमें और कितना ग्रीन है और कितना प्यारा है। ये डेफिन देखिया है और कितना प्यारा है, कितना सुंदर। और आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, एक डायरेक्शन है कि मेरी ये है, ये लंबी ग्रीन पत्तियां हैं और रेड इस पर लाइन है छोटी छोटी सुंदर सी। और इस पर फ्लावर भी आ गया है, ये फ्लावर की ये देखो इस टाइम कितनी प्यारी है, ये आ गया है। और इस कपड़े को भी मैंने देखो डेकोरेट किया है, ये इससे ब्लैक से किया है, ब्लैक टेप है। और ये मैंने ये स्टिकर लगाया है, ये फलों के स्टिकर भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत 10 रुपये में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और ये भी 10 रुपये का ही है, ये भी टेप और ये भी। और कितने प्यारे गमले लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये द्वार वैरायटी का, ये छोटा जो होता है नीचर। और ये देखो कितना प्यारा है और छोटा सा है, छोटे से गमले में रखते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती इसलिए मैंने इसको इधर रखा हुआ है। इधर ये सप्रेला है, ये भी कितना प्यारा चल रहा है। इधर इस साइड में क्या है, मेरे इस साइड में बिल्कुल भी धूप नहीं है इस साइड में इतने में, तो इस ये सारा एरिया मैंने इसलिए वैसे ही प्लांट रखे हैं जो बिना धूप के चलने वाले हैं। और ये एक साइड मैंने धूप आती है मेरे इधर, तो इधर मैंने फूलों के प्लांट रखे हैं। और ये देखो कितना सुंदर है, पिटोनिया का रेड कलर है ये, कितना प्यारा है, इसको भी मैंने सजाया हुआ है। ये देखो इसको ऑरेंज कलर ब्लैक में कितना सुंदर लग रहा है। इतनी सस्ती डेकोरेशन है, कितना प्यारा है, सुंदर भी कितनी लग रही है और ये सस्ती भी है और मेहनत भी कम है इसमें, कितना प्यारा लग रहा है। देखो आप भी कर सकते हैं। और एक पिटोनिया का मेरा इधर है, इधर भी अच्छी धूप आ जाती है। ये देखो कितना पिंक कलर, कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर, इसको भी मैंने डेकोरेट किया है। ये देखो इधर घुमाती हूँ, ये देखो स्टार से और ये टेप से, चमकी टेप से, कितना प्यारा लगता है, 4 चांद लग जाते हैं देखो अगर हम जरा सी भी डेकोरेशन कर देते हैं किसी भी चीज़ को, और तो कितना सुंदर, कितनी सुंदरता आ जाती है। ये छोटा प्यारा सा है मेरा, देखो कितना
बनाना सा है प्यारा सा, और इसमें भी मैंने एक छोटा सा ऊपर से लगा दिया है। और इसमें ये कलंचू है, ये दो तरह की कलंचू है मेरे पास, चार तरह की है। ये रेड है और एक ये शेडेड है, कितनी प्यारी है। ये मैंने कटिंग लगाई, मुझे कहीं से कटिंग मिली मैंने वो लगाई। इधर फ्लावर है और इधर मेरे ये देखो, और ये भी कितना सुंदर है, ये फॉक्स टेल बोलते हैं इसको, ये भी वाइट गमले में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको अभी मैंने नहीं क्या डेकोरेट की, इसको भी कर दी। और इधर मेरे पोलिश की है, कितने प्यारे हैं। इधर भी धूप नहीं आती, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की धूप, कुछ देर रहती है। तो ये मैंने इधर ये सारे अपने प्यारे प्यारे ये कोलियस लगाए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कितने सुंदर लग रहे हैं अभी भी ये ले, और एक ये है। और इधर आगे अभी इधर दिखाती हूँ, दोनों साइड दिखाती हूँ, क्योंकि इधर मैंने ऊपर की साइड में मैंने दोनों साइड रखे हुए हैं। इधर छोटे प्लांट है और फ्लावर प्लांट है, क्योंकि मेरे धूप इधर ही आती है। तो ये देखो, और ये किस, ये जेरेनियम का है, देखो कितना प्यारा रेड कलर का फूल है इसमें, कितना सुंदर। और इसको मैंने गमला भी कितना प्यारा से दिया है, ये देखो ये मटकी वाला गमला। और इस पे भी देखो ये डेकोरेट किया है, ये देखो ग्रीन कलर का है ये, और कितना सुंदर है। और इस पे एक फ्लावर वाला स्टिकर लगा दिया, तो कितना प्यारा हो गया, देखो हो गया ना कितना सुंदर। और मेहनत भी बहुत कम है इसमें, एकदम लगता चला जाता है, और ये चिपक भी जाते हैं, बड़े आराम से चिपक जाते हैं देखो। और सस्ता भी बहुत सस्ता पड़ता है, मतलब ये सोचो 50 पैसे से भी ये कम पड़ता है एक गमला सजाने के लिए। और ये भी मेरा गजानिया का है, ये देखो ये गजानिया का है, कितना प्यारा फ्लावर है। अभी दोपहर है तो इसलिए यहाँ पे धूप रहती है, अभी गई है धूप यहाँ से, तो ये इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि इन्हें तो धूप इतनी चाहिए, जितना ये धूप में रहेंगे उतना ही खिलते हैं और उतना ही ये जो है फ्लावर देते हैं। इनको धूप इनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और इसको भी मैंने सजाया है, ये देखो सबको डेकोरेट कर रखा, कुछ ही गमले हैं मेरे जो डेकोरेट नहीं है, नहीं तो सभी को कर रखा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये बेगोनिया है, ये देखो इस ये पिंक कलर का है, इसकी लिप्स भी कितनी सुंदर होती है। इसको भी मैं हल्की धूप में रखी हुई, और इसको कभी कभी हटा देती हूँ जब तेज धूप होती है, तब इसको हटा देती है मैं यहाँ से। और ये भी मैंने ब्लैक कलर का गमला है, और इस पर वाइट कलर का ये चमकी टेप है, और इस पर फ्रूट वाला स्टिकर लगा, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा नहीं है ये चलते नहीं, काफ़ी कई महीने चल जाते हैं, और जब अगर ख़राब हो गए तो फिर दोबारा से लगा लेते हैं, दोबारा लगा लो, क्योंकि तो बहुत सस्ता पड़ता है। और एक मैंने इधर ये भी है, ये जीनिया प्लांट है, ये विंटर का है, ये देखो कलर कितना प्यारा है इसका। और इसके गमले को मैं दिखाती हूँ, प्लांटर को, इसको भी कितना प्यारा बना रखा है मैंने, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इस पर गुलाब रख दी, ये गुलाब का स्टिकर, और इसको ऐसे दो से ऐसे चिपका दिया, और ये कलर चेंज कर दिया मैंने, इसका दूसरा लगाया। मेरे पे ये जो चमकी ये टेप है, मैं 4-5 लेके आई हूँ सिर्फ इन्हें सजाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा है तो पैसों का है नहीं, 10 रुपये का मात्र है। और एक ये है मेरे, ये देखो यहाँ धूप अच्छी आती तो ये फूल वाले जो है प्लांट ये बड़े अच्छे रहते हैं यहाँ पे। और एक ये है मेरा ऑरेंज कलर का, ये विंका है, ये भी डॉर वैरायटी का है, ये देखो और कितना सुंदर है। इसको भी मैंने सजा दिया गमले में, देखो कितना अच्छा स्टिकर, एक ये स्टार लगा दिया और एक ब्लू कलर का ये लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा, लगा के देखो कितने सुंदर लग रहे हैं इन्हें सबको। और एक ये है मेरा, देखो कितना सुंदर है गजानिया का, कितना प्यारा फ्लावर है, अभी पूरा खिला हुआ है। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये मैंने इसको सीमेंट का दिया है, अभी बंदर ने इसको बचा रखा है, अगर बंदर आ जाते हैं तो इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये उस साइड में नहीं थे, सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं, तो कभी कभी हटाना भी पड़ता है मुझे। तो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो ये गजानिया के और ये सारे पिटोनिया के बहुत ही सुंदर सुंदर नर्सरी में आ गए, तो खरीद सकते हैं। और इधर भी सजा बाहर है, देखो ये भी वही, ये भी छोटा वाला है, कितना प्यारा है, ये दो आते हैं देसी का एक भी वही, और इसके तो पूरे फूल खा गए थे बंदर, पूरे ही तोड़ देते, अभी 2 दिन में ही आए हैं। लेकिन हाँ इसमें फूल बहुत आता है, बंदर ने एक भी इसमें फूल नहीं छोड़ा था, उसके बाद ही देखो कितने फूल आ गए इसमें, ये फूल बहुत देता है ये प्लांट। इसको भी मैंने ये लगा रखा है इस पे, कितना सुंदर लग रहा है।
सबको किसी न किसी चीज़ से सजा रखा है, ज़्यादातर यही टेप से ही सजा रखा है मैंने। और एक मेरा गजानिया का ये है, अभी फ्लावर नहीं आया लेकिन इसका प्लांट बहुत सुंदर लगा ये मुझे, क्योंकि ये भूसी था। अब इस पर आएंगे, इस पर जितना ये धूप लगेगी अब इसकी सारी ये खिल जाएंगी बर्ड्स। और ये मॉस रोज भी रखे हैं, अभी भी ये मॉस रोज मेरे खिल रहे हैं। ये देखो ये भी खिल रहा है पिंक कलर का, ये देखो कितना प्यारा है दोनों कलर। और ये सारे देखो, अब मैं इधर से दिखाती हूँ ऊपर जाके, जब थोड़ा सा आधी सीढ़ी पर अभी ये देखो कितनी सुंदर। एक तरफ मेरी ये इधर फ्लावर है, फ्लावर प्लांट जहाँ पे धूप रहती है, और एक तरफ मैंने ये सारे जहाँ पे धूप नहीं रहती वहाँ पे मैंने सारे इस तरह के इंडोर प्लांट। और उधर छोटा सा स्पेस उधर भी मैंने रखा हुआ है, लगने के बाद कितना सुंदर लग रही है और कितना ब्यूटी नज़र आ रहा है सीढ़ियों में, ये देखो। अब मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है और आशा करती हूँ जब मुझे प्यारी लग रही है तो आपको भी ज़रूर लगेगी।